यह एक अमेरिका के दृश्य है, टेक्सास स्टेट के वाटिका की, जहां पर यंग जनरेशन मेल फीमेल किस तरह अपनी जिंदगी एक नशे में, एक बहुत ही भयानक, एक डरावना ड्रग्स के नशे में, सैतानिक कपड़े पहनना, नकाब लगाना और एक नास्तिक जीवन जी रहे हैं। That you're going to end up in a career to where you're going to help to design animation, something that the world has never seen. केवल मनोरंजन, पाप में जीवन, परमेश्वर का कुछ भी भय नहीं। पूरी तरह यहाँ के लोग, यंग जनरेशन टेक्सास के, पूरी तरह नास्तिक। बाइबल कहती है, जो गॉड सर्वेंट होते हैं वे कैसा होना चाहिए। गॉस्पल का काम तो कर रहे हैं, पर एक विश्वासी होने के नाते उनका वेशभूषा, उनका बाहरी आउटलुक कैसा होना चाहिए। आप लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है, उनका हेयर स्टाइल, उनका प्रेयर करने का तरीका, ये सब गलत है। ये बाइबल की डॉक्ट्रिन है, ये खुद की डॉक्ट्रिन है, अपने ही तरीका, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। इसलिए एक क्रिश्चियन होने से ही नहीं, लेकिन उसके बाहरी स्वभाव में भी एक चेंज होना बहुत ही जरूरी है। देखिए, साधु की तरह बाल रखे हुए हैं, उनके हाथ में बाइबल नहीं है, वे अपने ही तौर तरीकों से कर रहे हैं, सब गलत है। बाइबल कहती है एक गुड सर्वेंट हमें बनना है। 1 तीमोथी 4:6 हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। With sinners. The Bible is clear on how to deal with sinners. इसका नाम टाड व्हाइट नामक पास्टर है और एवेंजेलिस्ट भी कहलाते हैं। नास्तिकों के बीच गॉस्पल प्रीच करते हुए दिखाई दे रहे हैं।